वासुदेवा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अगला सिम में। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के स्टूडेंट से जो बोर्ड एग्जामिनेशन को लेके बहुत ज्यादा डर रहे हैं और बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें उनके साथ हो रही है। तो बेसिकली मैं उनसे बात करने जा रही हूँ और मैं एक्चुअली यहाँ पे ना आपको एक स्टोरी बताऊंगी, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्टोरी आई जस्ट वॉन्ट टू नो आर यू फेल्ट अ सेम काइंड ऑफ थिंग आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरी। ध्यान से स्टोरी को सुनिएगा बिकॉज दिस विल एक्चुअली मोटिवेट यू, नॉट इवन मोटिवेट यू, टेल यू द ट्रुथ ऑफ लाइफ। सो जस्ट लिसन टू द स्टोरी वेरी पेशेंटली एंड आफ्टर दैट आई फील कि आपका एक साल बचा है आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो आप जो है उसमें डरिएगा नहीं और आप जो है बहुत ही अच्छे वे में कि बहुत ही अच्छे से अपने एग्जामिनेशन पास कर जाओ। स्टोरी इज कि एक इंसान होता है जो कि बहुत ही अच्छा गन शूट करता है, कि गन शूटर होता है। सो बेसिकली क्या है ना कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा गन शूटर होता है और 1939 में उसने गन शूट करके बहुत सारे ऐसे जो कॉमनवेल्थ जो गेम्स होते हैं उसने जीता था, ठीक है। सो व्हेन 1939 में उसने एक गेम जीता तो फिर कहीं ना कहीं एक तरह से सारे लोगों को बिलीव हो गया था कि ये जो है ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जरूर जिताएगा। सो ही वॉज ऑल्सो ट्रेनिंग हिमसेल्फ फ्रॉम चाइल्डहुड, वो अपने बचपन से अपने आप को ट्रेन करता आ रहा था अपने उस एक ड्रीम को पूरा करने के लिए, जो उसका ड्रीम था कि उसे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाना है। सो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए वो अपने आप को बचपन से ट्रेन कर रहा था। लेकिन क्या हुआ ना कि 1939 में उसने वो गेम तो जीत ली, लेकिन ही वॉज ऑल्सो आर्मी पर्सन और वहां पे जब वो बॉर्डर पे था तो उसके राइट हैंड में ग्रेनेड जो है वो फूट गया। एंड आफ्टर दैट वो ग्रेनेड फटने के बाद उसका जो राइट हैंड था वो बेसिकली उसका जो है पूरी तरह से खराब हो गया एंड ऐसा ये हाल हो गया कि उस राइट हैंड को ऑपरेशन में उसका काटना पड़ा। जस्ट इमेजिन उसकी जो राइट हैंड थी जिससे वो गन शूट करता था, जो उसका ड्रीम था जिसके लिए उसने बचपन से मेहनत की, वो एक पल में खत्म हो गया। नथिंग वॉज देयर। जब उसको पता चला, जब वो होश में आया हॉस्पिटल में और उसने देखा कि मेरा राइट हैंड तो है ही नहीं, उसका सपना खत्म हो गया, उसके जीने की वजह खत्म हो गई। एंड ही वॉज लाइक कि मैं क्या करूँ। वो बहुत ही परेशान, बहुत ज्यादा ही डिप्रेस बोला जाए या बोला जाए कि बहुत ज्यादा ही अंदर से टूट चुका था। बट देन समथिंग हैपेंड एंड विच शोज द पावर ऑफ लेफ्ट हैंड, विच शोज कि आपके पास राइट हैंड नहीं है बट वी हैव अ सेम काइंड ऑफ थिंग, सेम काइंड ऑफ पावर और सेम काइंड ऑफ बोला जाए कि चीज जो है हमारे पास अभी भी बची हुई है, वो है लेफ्ट हैंड। उसको लगा कि उसके पास क्या हो गया कि अगर राइट हैंड नहीं है, उसको बचपन से जिस चीज़ को उसने ट्रेन किया अगर वो नहीं है कोई नहीं, अब वो उसको अब जो है वही चीज़ वो अपने लेफ्ट हैंड के साथ करेगा। ही ट्राइड टू डू अ थिंग फ्रॉम अ लेफ्ट हैंड, जहाँ जिस लेफ्ट हैंड से हम ना लिख सकते हैं ना शायद हम बहुत ही ज़्यादा ग्रिप के साथ किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं, उस लेफ्ट हैंड से उसने गन शूट करने का सपना देखा। ही स्टार्टेड ट्रेनिंग हिमसेल्फ, उसने फिर से अपने लेफ्ट हैंड को ट्रेन करना शुरू किया। एंड फॉर इयर्स ही एक्चुअली डिड दैट बट अनफॉर्चुनेटली जब ओलंपिक्स का दिन आया, टाइम आया कुछ सालों बाद, तो वो ओलंपिक्स जो है कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ सम रीज़न। सो बेसिकली क्या हुआ कि जब उसने अपने आप को पूरी तरह से ट्रेन कर लिया, अपने आप को तैयार कर लिया ओलंपिक्स के लिए, तो उसके बाद की ओलंपिक्स गेम जो है वो कैंसिल हो गई। सालों बीत गए, ओलंपिक्स गेम आपको पता ही है कि 4 साल में एक बार होता है। एंड आफ्टर दैट जब वो गेम कैंसिल हो गया एंड देन अगेन ही वॉज डिवास्टेटेड, ही वॉज इन अ सिनेरियो कि अब मैं क्या करूं, मैंने इतना वक्त लगा के अपनी लेफ्ट हैंड को रेडी किया इस चीज के लिए, मैंने इतना वक्त लगा के अपने लेफ्ट हैंड को रेडी किया इस चीज के लिए एंड गेम जो है वो कैंसिल हो गया। ही वॉज इम्पेशेंट, ही वॉज गेटिंग डिप्रेस्ड,
उसके साथ भी अभी वही हो रहा है, आई मीन कि उसके साथ भी अभी वही हो रहा था जो अभी हमारे साथ हो रहा है, जहाँ पे हमारी एग्जामिनेशन बोला जाए या हमारा सेशन बोला जाए या हमारा जॉब बोला जाए, ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से जो है हमसे पेशेंस मांग रही है, हमसे बोल रही है कि आपको वेट करना होगा। हम कुछ नहीं कर रहे इस वक्त पे, हम रेडी हैं अपनी तरफ से, हम रेडी हैं कि हम बैक टू क्लासेस जाएं, हम रेडी हैं कि हम बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक। उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, वो भी इसी तरह रेस्टलेस फील कर रहा था जैसा कि हम लोग अभी फील कर रहे हैं, लेकिन उसने पेशेंस नहीं खोया, उसने अपनी उम्मीद को, उसने अपनी गोल को नहीं खोया, उसने हर वो चीज़ की जो उसे ज़रूरत थी करने की, और हर वो जो है मुश्किलों को उसने पार किया जो उसको करना था अपने गोल तक पहुंचने के लिए। उसने हर तरह की प्रॉब्लम्स को फेस किया सिर्फ इसीलिए, हर तरह से वेट किया सिर्फ अपने एक ओलंपिक्स गेम में आप उसको गोल्ड मेडल जीतना था, बस उस चीज़ के लिए उसने बहुत सालों तक वेट किया। उसके एज बीत रहे थे, वो शायद कुछ और कर सकता था, लेकिन उसने अपने गोल को नहीं छोड़ा। आपको भी अपना गोल नहीं छोड़ना है। उसने मेहनत की, 4 साल बाद फिर से ओलंपिक्स गेम हुए, और जब वहां पे गेम हुआ उसे, उन्हें जितने भी वहां पे शूटर्स जो आए थे, जो उस चीजों में पार्टिसिपेट, जो शूटिंग में पार्टिसिपेट किए थे, उन्हें लगा कि वो उनका हौसला बढ़ाने आए हैं, पर बेसिकली वो उनका हौसला बढ़ाने नहीं बल्कि वो वहां पे जीतने आए थे। एक इंसान ने उससे बोला कि आप यहाँ पे हमारा लाइक कॉन्फिडेंट बढ़ाने, पार्टिसिपेंट का कॉन्फिडेंट बढ़ाने आए हैं, सबको यही लगने लगा। लेकिन जब वो उस जगह पर खड़ा हुआ जहां पे वो सारे पार्टिसिपेंट खड़े थे, सब चौंक गए, एंड ही वॉज शूटिंग फ्रॉम हिज लेफ्ट हैंड। जो सारे लोग अपने राइट हैंड से नहीं कर पाते हैं, उसने अपने लेफ्ट हैंड से कर गोल्ड मेडल जीता। जो बड़े बड़े लोग, कई लोग, शायद कितने ही लोग ऐसे होंगे दुनिया में उस चीज के लिए वो अपने आप को ट्रेन करते होंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। कितने लोग तो उनका सपना ही नहीं देखते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो चीज वो नहीं कर पाएंगे। उसने सपना भी देखा, उसके साथ हादसा भी हुआ, उसके साथ बोला जाए कि हर तरह की दिक्कतें भी आई, उसे वेट भी करना पड़ा, वो रेस्टलेस भी हुआ, वो डिप्रेस भी हुआ, वो टूटा भी, वो सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने गोल को नहीं छोड़ा। सो बेसिकली गोल वही होता है, अगर आप कुछ करना चाहते हो, फिर आप अगर आप ठान लेते हो कि आपको कुछ करना है, अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% स्कोर करना है, तो अगर आप 100% स्कोर करना चाहते हो तो आपको अपने गोल को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना। एंड यू आर लकी कि आपके साथ वो स्ट्रगल हो रहा है, क्योंकि अगर उसके साथ वो स्ट्रगल अभी नहीं हो रहा होता तो आज मैं आपको ये बैठ कर यहाँ पे ये स्टोरी नहीं सुना रही होती, या फिर लाखों लोग इसकी स्टोरी सुनकर मोटिवेट नहीं होते। आपको ये माइंडसेट रखना होगा कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे अपने गोल को पूरा करना है। एंड देन ओनली द थिंग इज कि आप उस चीज को किसी भी मुसीबत के होने के बावजूद आप कर सकते हो। अगर किसी चीज की चाह हो, उस चाह को पूरा करने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो बस आपको यही करना है इस पैंडेमिक के टाइम में, आपको पेशेंस के साथ अपनी प्रिपरेशन करनी है, लेकिन कहीं भी एक पल के लिए भी ये नहीं सोचना है कि उस पेशेंस में आप जो है टूट रहे हो, या फिर उस पेशेंस जो है आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, उस पेशेंस को नहीं रख पा रहे हो, ये नहीं सोचना है। कहीं भी ये नहीं सोचना है कि अच्छा अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं बाद में कर लूँगा, पढ़ लूँगा, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। टाइम कब कैसे बीत जाता है नहीं पता चलता, और कब मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता चलता। कल को क्या होगा किसी को नहीं पता। कैरोली को भी नहीं पता था कि उसको शायद इतने साल तक वेट करना पड़ेगा अपने सेकेंड हैंड को ट्रेन करने के बाद। उसने सोचा था 1939 के बाद अगले साल ही वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत जाएगा, वो नहीं जीत पाया। उसने अपनी पेशेंस नहीं खोई, ऑल्दो उसकी बॉडी शायद उसके साथ नहीं थी, वो उसकी एज हो गई थी, एज हो रहा था, और उसके बावजूद उसने अपने पेशेंस नहीं खोया।
आपको भी यही करना है, आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है। आप ये दो चीज सीख लेते हो ना, तो आप लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम, इट्स नॉट अबाउट द बोर्ड एग्जाम ओनली, आप लाइफ में कोई भी चीज अचीव कर सकते हो अगर आपके पास पेशेंस है और अगर आप जो है पेशेंटली काम करना जानते हो और अपने गोल को कभी भी ना भूलो, इस तरह की आपके अंदर ताकत है तो ही चीज करनी है बस। एंड सी द लाइफ विल चेंज, एवरीथिंग विल चेंज, सो ट्राई दिस। आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल या बेस्ट स्टोरी जो मैं आप सबको सुना सकती हूँ उस वक्त पे, ताकि मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ। सो डेफिनेटली 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 डू दिस। एंड Now, the end of this video, and I would like to say only this, try to do this, be motivated, just be patient, everything will happen and never forget your goal. So I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल अगला सेम।